मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पठान सिंह पुत्र बद्री शाक्य निवासी जसराजपुर शिवपुरी ने बताया कि 22 जून 2013 को कमलागंज घोसीपुरा शिवपुरी में बिजली के तार टूट जाने से उसके चाचा की मौत हो गई थी। मौत के बाद एकमात्र उनका वे वारिस हैं, क्योंकि चाचा की कोई शादी नहीं हुई थी। वहीं प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सहायता राशि आज दिनांक तक नहीं मिली है, इसलिए सहायता राशि जल्द से जल्द दिलवाई जाए। मामले को लेकर 9 साल में हजारों आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है। तू मत बोल पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाठन सिंह। कहाँ से आए हो? जसराजपुर से। जनसुनवाई में आए थे, क्या समस्या लेकर आए? समस्या जो लेके आऊँ, मेरा चाचा बाहर से पत्ती बेचने गया था तो बड़ी लेन का तार टूटा तो उससे ख़त्म हो गया, और मैंने जो कलर टेट में 100 बार दे चुका, मेरे को 9 रुपये नहीं मिले। 100 बार दे चुके तू? हाँ। क्या साल हो गए? 9 साल है। 9 साल से ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही भटक रहा है। कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। कहाँ पे हुई थी? बिजली विभाग वाले बोलते हैं इससे नहीं मिलेगा मुआवजा। नहीं मिलेगा? हाँ। कहाँ पे टूटा था? जे फिजिकल पे। चाचा की कोई संतान नहीं थी? संतान नहीं, मैं गोद लिया था। आपको गोद लिया? हाँ। चाचा का नाम 2000। तब से आज तक भटक रहे? हाँ।